ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज। टुडे सब्जेक्ट इज साइंस क्लास थर्ड। क्लास थर्ड का फर्स्ट चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को आज हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। व्हाट यू सी अराउंड यू? आप अपने चारों तरफ क्या देखते हो? लॉट्स ऑफ थिंग्स देखते हो ना अपने चारों तरफ, बहुत सारी चीजें। ऑल थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, फर्स्ट वन लिविंग एंड सेकेंड वन नॉन लिविंग। जो भी चीजें हमें हमारे चारों तरफ मिलती हैं या दिखाई देती है, उन सभी चीजों को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज लिविंग थिंग एंड सेकेंड इज नॉन लिविंग थिंग। यही तो हमारे चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है कि लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्या होता है, इनके फीचर्स क्या होते हैं और एग्जाम्पल। ओके, बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा चैप्टर है, चलिए देखते हैं। लेट्स सी लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, लिविंग थिंग्स अपने जैसे बेबी को बर्थ देते हैं, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? अपना फूड खुद बनाते हैं। ओके, और लिविंग थिंग्स वन प्लेस टू अनदर इजिली मूव कर जाते हैं। ओके, अगर किसी ने बुलाया आ जाओ, तो लिविंग थिंग्स क्या होगा? अगर लिविंग थिंग्स होंगे तो वो आपके पास आ जाएंगे। ओके, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स लिव अप टू अ सर्टेन एज। लिविंग थिंग्स की जो लाइफ स्पैन होती है ना, मींस अलाइव, कितने समय तक वो जिंदा रह सकते हैं, ये टाइम भी उनका क्या होता है? फिक्स होता है। ओके, फॉर एग्जांपल माउस, चूहा देखा है आपने? चूहा, चूहे की यानी कि माउस की जो लाइफ स्पैन होती है वो कितनी होती है? 2 से 3 इयर्स ओनली। कितनी होती है? 2 से 3 इयर्स। अच्छा, बटरफ्लाई किस किस में देखी है? बटरफ्लाई, बटरफ्लाई ऑल्सो लिविंग थिंग्स ना, तो बटरफ्लाई की जो लाइफ होती है ना, बटरफ्लाई की वो कितनी होती है? 20 to 30 days। कितनी दिन होती है? 20 से 30 days ओनली। ओके, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कौन कौन होते हैं? अब ह्यूमन बींग्स आपने देखा है ना, मम्मी पापा हम अंकल आंटी सब कौन है? ह्यूमन है ना, तो ये ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं सब क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं। एनिमल्स किस किस ने देखे हैं? सभी ने देखे एनिमल्स। काऊ देखिए, गॉट देखा है, हॉर्स देखे, अरे वाह आपने तो सब, इंसेक्ट्स बहुत सारे देखे हैं सभी ने, ये सब क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं। अच्छा, प्लांट कैसे होते हैं? प्लांट भी तो लिविंग थिंग होते हैं ना, ग्रो करते कि नहीं करते? छोटा सा सीड हम सॉइल में डालते हैं, वो धीरे 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 छोटा सा प्लांट होके और बहुत बड़ा ट्री बन जाता है ना, तो वो भी क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल क्या होगा लिविंग थिंग्स के? ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिफरेंट इन मेनी वेज। अब आपको याद क्या रखना है कि जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट होते हैं वो बहुत तरह से डिफरेंट होते हैं। अब कैसे डिफरेंट होते हैं प्लांट और एनिमल? लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, चलो, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब अभी मैंने आपको बताया था ना लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। अब एक बार हम इससे देखें, लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या नहीं कर सकते हैं। अच्छा बताओ, लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? अपने आप चल सकते हैं, चल सकते हैं ना। अब आप बोलो कि लिविंग थिंग्स अपने आप चल सकती है, यानी कि बस और ट्रेन, वो भी तो अपने आप चलती है कि नहीं चलती? पर वो लिविंग थिंग है क्या? नहीं, बस ट्रेन एरोप्लेन ये सब व्हीकल है, नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग नहीं है। क्योंकि लिविंग थिंग क्या होते हैं? जो अपने आप सेल्फ चलते हैं। और ये जो व्हीकल है ये सेल्फ चल रहे हैं क्या? नहीं, इसको तो
हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, हम चलाते हैं इसको, और इसको चलाने के लिए हम इसमें क्या डालते हैं, फ्यूल डालते हैं। ओके, नाउ नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ऑन। ओके, यानी कि लिविंग थिंग्स सेल्फ मूव करते हैं, खुद से मूव करते हैं। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करते हैं। ओके, नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। अब लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत होती है, क्यों होती है खाने की जरूरत, उनको लिव करने के लिए यानी कि जिंदा रहने के लिए, ग्रो मीन्स बड़ा होने के लिए जरूरत होती है। ओके, तो लिविंग थिंग्स को फूड की, अपने आप को जिंदा रखने के लिए और अपने आप को बड़ा करने के लिए किसकी रिक्वायर्ड होती है, फूड की। ओके, डू नॉट नीड फूड, नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपकी टेबल है, टेबल खाना खाती है क्या, टेबल फैन आपका खाना खाता है, बताओ, नहीं खाता है ना, तो फैन आपका क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग। ओके, अगर सपोज मैंने बोला रैबिट, रैबिट क्या है, लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है, क्यों, क्योंकि वो छोटा था, बड़ा भी हो रहा है, लाइव रहने के लिए उसको फूड की जरूरत होती है, टाइम टाइम पे हम खाना देते हैं कि नहीं उसको। ओके, ब्रीथ, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं, लंबी सांस लो जोर से, अरे वाह, नाउ टेक आउट योर ब्रीथ, निकालो जल्दी से अपनी ब्रीथ को बाहर निकालो, वाओ, इट मींस आप ब्रीथ कर सकते हो, तो आप क्या हो, लिविंग थिंग हो। ओके, एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग ब्रीथ नहीं करते हैं। नेक्स्ट, फील चेंजेस अराउंड देम, हमारे चारों तरफ जो भी चेंजेस होते हैं ना, वो लिविंग थिंग को तुरंत पता चल जाता है। ओके, कितनी गर्मी लग रही है, अरे बाप रे बाप, ठंड लग रही है, तो ये चेंजेस कैसे पता चलता है, लिविंग थिंग्स को पता चलता है कि ठंड बहुत ज्यादा है, गर्म है, कैसा हो रहा है, तो ये क्या होता है, हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों तरफ जो भी चेंजेस होते हैं वो लिविंग थिंग्स को पता चल जाता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को हमारे चारों तरफ जो भी चेंजेस होते हैं वो उनको फील नहीं होते हैं। ओके, ग्रो ओल्ड एंड डाई, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं और फिर लास्ट में क्या होता है, डाई हो जाते हैं। अच्छा, आपने अपने दादा दादी को देखा है, मम्मी के दादा दादी को देखा है, उनके दादा दादी को देखा है, सब अलाइव है क्या अभी, नहीं, एक एज के बाद वो क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं। तो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, एक लिमिट तक बढ़ते हैं और उसके बाद लास्ट में क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। बट नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं होते हैं, जब ग्रो नहीं होते हैं तो वो डाई भी नहीं होते हैं। ओके, नाउ प्रोड्यूस बेबीज, लिविंग थिंग्स अपने जैसे बेबीज को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं। बफेलो, बफेलो का छोटा सा बच्चा देखा है ना आपने, काऊ का छोटा सा बच्चा वो भी देखा है ना आपने, केट का छोटा सा बच्चा, किटन देखा है आपने, यस। तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, अपने जैसे बेबीज को बर्थ देते हैं। अच्छा, आपने कभी ऐसा देखा है क्या कि एक बड़ी टेबल ने छोटी टेबल को बर्थ दे दिया, देखा है क्या कभी ऐसा, या एक फैन ने छोटे फैन को बर्थ दे दिया, देखा है क्या, नहीं। इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग क्या प्रोड्यूस नहीं होते हैं, क्या नहीं करते हैं, किसी भी चीज को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, नाउ गिव आउट वेस्ट, बहुत अच्छे से दौड़ो दौड़ो, रनिंग करो रनिंग करो, और फास्ट और फास्ट और फास्ट और फास्ट, खूब देर तक अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं तो क्या आता है, पसीना, स्वेट बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट, हमारी बॉडी का वेस्ट क्या हो गया, बाहर निकल गया है ना। बहुत सारा पानी पी लेते हैं, थोड़ी देर बाद हमको वॉशरूम जाना पड़ता है, टीचर सो, टीचर प्लीज लेट मी गो, टीचर प्लीज लेट मी गो, इट्स अर्जेंट, प्लीज टीचर लेट मी गो, इट्स अर्जेंट, व्हाई सो, बिकॉज आई नीड टू गो आउट टू टेक आउट वेस्ट।
non-living things do not give out any waste. Understood? Now differences between plants and animals. अब देखो, प्लांट्स में और एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता है? देखो मैंने बताया, प्लांट्स क्या है बेटा? लिविंग थिंग है. एनिमल्स क्या है? एनिमल्स भी लिविंग थिंग है. दोनों लिविंग थिंग है, बट फिर भी दोनों में डिफरेंस तो है ना. डिफरेंस है कि नहीं है? हाँ बेटा, दोनों में बहुत डिफरेंस है. सबसे फर्स्ट डिफरेंस देख लेते. अच्छा, आप मैंने बताया था कि लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो वन प्लेस से अनदर प्लेस पर मूव कर सकते हैं, बताया था. लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स तो हैं, बट वो वन प्लेस से अदर प्लेस पर मूव नहीं करते हैं. प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बट एनिमल्स क्या होते हैं? आप बुलाओ जरा डॉग को, आ जाओ गाय, गाय को रोटी खिलाओ, लगाए गाय, गाय गाय रोटी ले जा, रोटी ले जा, आ जाएगी ना आपके पास तुरंत. तो एनिमल्स क्या होते हैं? अगर आप उनको बुलाते हो तो वन प्लेस से अनदर प्लेस पर इजिली मूव कर सकते हैं. ओके, प्लांट मेक देयर ऑन फूड बाय यूजिंग फोटोसिंथेसिस. प्लांट अपना फूड फोटोसिंथेसिस की हेल्प से सेल्फ बनाते हैं. बट एनिमल्स डू नॉट मेक देयर ऑन फूड. एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं. एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, याद रखना है. प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, और किसकी हेल्प से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से. कौन सी प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस. बट एनिमल्स डिपेंड इधर प्लांट और अदर एनिमल. लेकिन एनिमल्स क्या करते हैं? अपने फूड के लिए या तो प्लांट पर डिपेंड होते हैं या दूसरे एनिमल पर डिपेंड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वेजिटेबल खाना है, फ्रूट्स खाना है, ग्रेन्स खाना है, ओके, ग्रेन खाना है, कुछ भी चीज अगर आपको खाना है तो वो चीज आपको कौन देता है? वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, ग्रेन्स है, ग्रेन है, ये सब चीजें आपको कौन देता है? प्लांट देते हैं. कौन देता है? प्लांट देते हैं. ओके, और अगर आपको मिल्क पीना है तो मिल्क कौन देगा आपको? एनिमल. ओके, अंडरस्टूड? प्लांट्स ब्रीथ थ्रू पोर्स इन लीव्स. प्लांट्स एक्सहेल ऑक्सीजन एंड इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स क्या करते हैं पता है ना आपको? ऑक्सीजन को ब्रीथिंग में बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं, मीन सांस में अंदर लेके जाते हैं. ओके, तो ये प्लांट्स की ब्रीथिंग होती है, बट किसके थ्रू होती है? लीव्स में जो पोर्स होते हैं ना, छोटे छोटे स्टोमेटा, उसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं? ब्रीथिंग करते हैं. बट एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज लंग्स, गिल्स और होल्स. एनिमल्स में, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है? पार्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन, ह्यूमन में क्या होता है? मीन्स हमारे पास अगर हमको ब्रीथिंग करना है तो कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है? लंग्स हेल्प करते हैं. कौन हेल्प करता है? लंग्स. ओके, ऐसे फिश, फिश में क्या होते हैं? गिल्स होते हैं. क्या होते हैं? गिल्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए. ओके, प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स एंड अदर प्लांट्स. अगर हमको प्लांट को ग्रो करना है तो हम क्या करेंगे? सीड को सॉइल में डालेंगे और अदर प्लांट आ जाएगा. लेकिन एनिमल्स क्या करते हैं? तो एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज और बाय लेइंग एग्स. अगर एनिमल्स को अपने जैसे बेबी को बर्थ देना है तो क्या करते हैं? कुछ एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ क्या करते हैं? एग देते हैं. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं. नाउ टेल मी, व्हाट इज दिस? फिश. फिश इज अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? क्या है ये? लिविंग थिंग. वेरी नाइस. क्यों है ये लिविंग थिंग? ये ब्रीथ करती है. वाओ. अच्छा, स्विमिंग भी करती है क्या? यस, तो ये लिविंग थिंग है. ये क्या है भाई, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग? आई एम सो कंफ्यूज. क्या है ये?
नॉन लिविंग थिंग, वेरी गुड। और ये क्या है भाई, लिविंग और नॉन लिविंग? नॉन लिविंग, वेरी गुड। ओहो, एलिफेंट। एलिफेंट इज अ बिगेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। लैंड का सबसे बड़ा एनिमल है, पता है ना आपको? अच्छा, ये मूव करता है क्या वन प्लेस से अदर प्लेस पे? यस। अच्छा, खाता क्या है ये? प्लांट्स, लीव्स खाता है। वाव, लीव्स खाता है। तो ये क्या है फिर? लिविंग थिंग है, वेरी गुड। और ये क्या है भाई, ये फ्रॉग? ओह, फ्रॉग है। इट्स हॉप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जंप भी करता है ना? तो ये क्या है? लिविंग थिंग, वेरी गुड। ओह, ये कुछ दिख रहा है मुझे, क्या है ये? ये डॉग। भाव 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 भाव। ओ, इट कैन स्पीक। ये तो बोलता भी है, बोलता है ना, तो लिविंग थिंग बोल भी तो सकते हैं। ओहो, ये तो बड़ा भी होता है। तो ये क्या है आपका? लिविंग थिंग। अच्छा, ये क्या है? लैम्प। इट्स अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? ओके, नॉन लिविंग थिंग। ये क्या है? ये भी आपका नॉन लिविंग थिंग। डक। डक तो क्या कर रही है, वाटर में स्विंग कर रही है क्या? ओके, तो डक क्या हो गई? लिविंग थिंग, वेरी गुड। थैंक यू।